हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 जून को होने वाले स्मैकडाउन के फुल प्रीव्यू के बारे में। WWE ने काफ़ी बढ़िया सेगमेंट्स कंफर्म कर दिए हैं, क्योंकि गाइस हेल इन ए सेल के बाद की पहली स्मैकडाउन है, तो मनी इन द बैंक के लिए हमें बिल्डअप देखने को मिलेगा। रोमन रेंस का भी कोई नया अपोनेंट होगा, तो क्या कुछ कन्फर्म किया है, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके एक लाइक से यार। तो यहाँ पर एक और फिर से हमें रीमैच ही देखने को मिलेगा, और गाइस ये होने वाला है अपोलो क्रूज वर्सेस बिगी का। पहले भी हमें कई बार देखने को मिल चुका है, पर यह है क्वालिफायर मैच मनी इन द बैंक मैच के लिए, और जो भी जीतेगा वो इस स्मैकडाउन की तरफ से मनी इन द बैंक मैच में जाएगा। और फाइनली इस मैच के बाद होगा अपोलो क्रूज और बिगी की फ्यूड का एंड, और इस मैच में बिगी जीत के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा गाइस हमें स्मैकडाउन की शुरुआत में शायद देखने को मिलेगा रोमन रेंस और पोल हेवन का सेगमेंट, और यहाँ पर WWE बता रही है भाई रोमन रेंस का हमें सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, जो कि उन्होंने पिछले हफ्ते किया रे मिस्टीरियो को हेल इन ए सेल मैच में हरा कर। तो हमें रोमन रेंस का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, पर उससे बढ़िया बात यह है कि हमें इसमें कुछ शॉकिंग मोमेंट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिमी उसो ने जिस तरह से सपोर्ट किया, हाथ मिलाया रोमन रेंस से, और पर हमें जे उसो देखने को नहीं मिले, तो क्या यहाँ पर WWE कहानी बुन रही है, क्या जे उसो नेक्स्ट स्मैकडाउन पर आएंगे, और जिमी उसो का क्या रिएक्शन रहता है, हमें यही सब कुछ देखने को मिलेगा इस सेगमेंट में। इसके अलावा गाइस एक मिक्स्ड मैच कंफर्म है, ये है सेट रॉलिंस एंड बेली वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड सिजारो के बीच में, और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई। बेली एंड बियांका ब्लेयर के साथ दो मैच हो चुके हैं, तो अभी भी ये फ्यूड कंटिन्यू है, तो यहाँ पर दिमाग ख़राब होना बनता है। और सिजारो सेट रॉलिंस की भी फ्यूड काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पर अगर WWE इसको बनाई थी भाई मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच, तो हो सकता है थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो मनी इन द बैंक क्वालिफायर मैच में चली जाएगी वुमेंस और मेंस डिवीजन में। फाइनली हो सकता है उसके बाद ये फ्यूड का एंड हो, क्योंकि भाई सेट रॉलिंस के लिए कुछ नया किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेट रॉलिंस अगर रोमन रेंस के सामने जाते, वैसे ही बहुत मुश्किल है, अगर समर स्लैम के लिए प्लान्स हैं सेट रॉलिंस वैसे रोमन रेंस के, तो सेट रॉलिंस को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर कई बात के लिए हो तो सेट रॉलिंस रोमन रेंस की फ्यूड भी देखने में मज़ा आएगा। तो इस मैच में कौन जीतता है अभी तो कुछ कह नहीं सकते कन्फर्म। इसके अलावा गाइस हमें एक और क्वालिफायर मैच देखने को मिल सकता है, केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का रीमैच यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि चार बंदे जाने हैं स्मैकडाउन ब्रांड से भी, तो यहाँ पर केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का क्वालिफायर मैच होगा, और हो सकता है केविन ओवेंस फिर से एक बार क्वालिफाई कर जाए मनी इन द बैंक मैच के लिए। इसके अलावा स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो की भाई आप किस तरह से स्टोरी लाइन जाने वाली है, क्या वो अभी भी रोमन रेंस के साथ स्टोरी लाइन में रहेंगे, या फिर वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप फ्यूड में जाएंगे, ये तो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर ही क्लियर होगा। इसके अलावा गाइस बात करें कि रोमन रेंस का अपोनेंट कौन होने वाला है, तो गाइस पॉसिबली हमें रोमन रेंस के दो प्रोमो कट्स देखने को मिलेंगे। अगर सेलिब्रेशन वाले सेगमेंट में रोमन रेंस का अपोनेंट कन्फर्म नहीं होता, तो हमें रोमन रेंस का मेन इवेंट में भी सेगमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फाइनली रिवील होगा कि रोमन रेंस का मनी इन द बैंक का अपोनेंट कौन होगा, और वो पॉसिबली हो सकते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। यहाँ पर आके डोमिनिक मिस्टीरियो कन्फ्रंट कर सकते हैं रे मिस्टीरियो का बदला लेने के लिए रोमन रेंस को। और गाइस इसके अलावा हमें एक बड़ी चीज देखने को मिल सकती है, क्या जॉन सीना रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के रूमर्स हैं समर स्लैम के लिए, तो जॉन सीना भी यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जॉन सीना रिटर्न किया तो रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच मनी इन द बैंक पेपर व्यू में होगा, पर यहाँ पर जॉन सीना के कन्फ्रंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट कन्फर्म किया भाई सेलिब्रेशन सेगमेंट, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ बड़ी डिस्टर्बेंस होगी रोमन रेंस के लिए, तो वो किस तरह की होती है तो हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर क्लियर होगा। बाकी गाइस आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आप रोमन रेंस और जॉन सीना का कन्फ्रंटेशन देखना चाहोगे, और क्या रोमन रेंस से डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच हो। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और फिर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई ख्याल रखें अपना।